बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं इस वक्त जद्दा बड़ी मलक से आपके साथ लाइव हूँ। मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। अच्छा, मैं इसे बहुत अच्छी न्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता भी देता हूँ। कुछ भाई तो इस चीज़ को भाई अच्छा नहीं समझेंगे कि फ्लाइट्स ओपन हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको थोड़ी डिटेल भाई अभी बता देता हूँ। आपको पता ही शाही फरमान जारी कर दिया गया है, इकामा छुट्टी विजिट वीज़ा वगैरह यानी कि खरूज उदा वगैरह भाई मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। पहले तो आपको यहाँ पर मैं वो ट्वीट दिखा रखा हूँ और आपको भाई खुद से पढ़कर भी सुना देता हूं। मैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी याद देख रखे होंगे जी। तो यहां पर लिखा हुआ इकामात तशीरात खरूज व उदा लल मुकीमीन व मौजूदीन खारिज अल मुमलकत, ठीक है। नीचे तमदीद सलाहिया, दो नंबर पर लिखा हुआ तशीरात ज़ियारा लल ज़ायरीन मुजीदीन खारिज मुमलकत 30/11/2021, ठीक है। 11वें माह की यानी कि नवंबर की 30 तारीख तक भाई आपके इकामे, आपकी छुट्टी, आपका विजिट वीज़ा बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, जो न्यू वीज़ा वाले हैं उनके मतलब ये है कि वो अपना मेडिकल अपडेट करेंगे, बाकी वीज़े वगैरह उनके भी बढ़ जाएंगे, ये भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ। अच्छा, आपकी छुट्टी, आपका इकामा, आपका विजिट वीज़ा वगैरह भाई 30/11 तक बढ़ा दिए गए हैं। अभी फ्लाइट्स के मतलब आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा, जिन भाइयों के अभी तक पहले 9वें माह की 30 तारीख तक नहीं बढ़े हैं उनके मतलब भी मैं आपके साथ कल ही एक मुकम्मल तफसील से वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि आप भाइयों को क्या करना होगा। बिल्कुल आसान सिंपल सा तरीका है, आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, आपका इकामा छुट्टी वगैरह अपडेट हो जाएगी, अभी से वो कर लें। अभी कुछ भाई मुझे पता है कमेंट करेंगे कि और बोलेंगे भी, सोचेंगे भी कि भाई अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो बहाल नहीं होंगी, मज़ीद 2 माह इकामा छुट्टी वगैरह बढ़ा दिए गए हैं। तो भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मतलब कोई भी किसी किस्म की अपडेट अभी नहीं है, आपको ये मैं क्लियर कर दूं। कोई भी बंदा आपको कोई किसी किस्म की अभी तक अपडेट, कोई डेट वगैरह नहीं दे सकता। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि पहले आपको पता है, जैसा कि जिन बंदों ने यहाँ से वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट की है वो आ सकते हैं। अभी भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोली जाएंगी, मिसाल के तौर पर उम्रा ज़ायरीन के लिए, बाद में विजिट वीज़ा वालों के लिए, बाद में उन बंदों के लिए जिनको यहाँ से एक डोज लगी है या पाकिस्तान से एक डोज लग चुकी है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो भाई जल्द बहाल होंगी, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है आप भाइयों के लिए कि आपके इकामे छुट्टी वगैरह मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं, ना कि आपको इसके मतलब कोई किसी किस्म की परेशानी उठानी पड़ती।